प्रीमियर प्रो सीसी में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, वो है सेटिंग अप एंड ऑर्गेनाइजिंग योर मीडिया। इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंपोर्टिंग कार्ड बेस्ड मीडिया। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हम मीडिया ब्राउज़र से वीडियोस और डिफरेंट इमेज डिफरेंट फाइल्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि हार्ड ड्राइव से किस तरह हम इंपोर्ट करते हैं। जिस सबसे पहले हमारे पास प्रीमियर प्रो का ऑप्शन है, जिसके अंदर हमारे पास हाइड प्रीमियर प्रो है। अब हमारे डेस्कटॉप पे तीन फोल्डर्स हैं। अगर हम lynda.com के प्रीमियर यूज़र हैं तो फिर हाँ, या ट्रेनर हैं तो फिर हमारे पास एक्सेस फाइव फोल्डर है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर मीडिया फोल्डर है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पड़े हैं चैप्टर वन मीडिया के नाम से और डिफरेंट फोल्डर्स हैं। अगर प्रीमियर अकाउंट यूज़ करें तो आपके पास चार फोल्डर्स होंगे। अगर हम इसके अंदर ओपन करें तो हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड मीडिया फोल्डर्स पड़े हैं, जिसके अंदर हमारे पास कैमरास और डिफरेंट मैगजीन्स और डिफरेंट पिक्चर्स हैं और डिफरेंट एनिमेटेड ग्राफिक्स मौजूद हैं। अब इसे हम इंपोर्ट करते हैं प्रीमियर प्रो में। इसके लिए हम जंप करेंगे प्रीमियर प्रो में। अब हम मीडिया ब्राउज़र में मूव करेंगे जो हमारे पास लेफ़्ट बॉटम में है, और इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स ओपन है। जो भी फोल्डर इसके अंदर मौजूद है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अगर आप गलत करेंगे या कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सारा मीडिया गायब हो जाएगा। इंपोर्ट, जैसे हमने राइट क्लिक और इंपोर्ट किया तो उसने एक डायलॉग ओपन किया है, इस फोल्डर में फोटोशॉप फाइल्स थी, तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप फोटोशॉप फाइल्स ऐड कर रहे हैं, तो हम ओके प्रेस करेंगे। अब अगर हम प्रोजेक्ट में मूव करें तो हमारे पास मीडिया फोल्डर के अंदर जो कुछ था हमारे पास आ गया, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। अब मीडिया ब्राउज़र में वापस जाते हैं और हमारे पास ग्रुप हुए हुए हैं फोल्डर्स के, इन सबको सेलेक्ट करते हैं। बजाय इसके कि हम सारों को सिलेक्ट करें, हम एक एक को भी सिलेक्ट करके ये कर सकते हैं। हम इन पे इंपोर्ट करते हैं, अगेन वही डायलॉग अपीयर हुआ है जो कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स में मौजूद थे। हमने ओके प्रेस किया और वो वापस हमारे पास फोल्डर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए वही फॉर्म में जो कि हमारे पास फोल्डर में मौजूद थे हमारे पास आ गए हैं। ये इजी है कि हम ऑर्गेनाइज करें अपने फोल्डर्स को प्रीमियर प्रो के ज़रिए, जो कि हमारे पास फास्ट और एफिशिएंट मीडिया प्रोवाइड करता है।